अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक्चुअली ये वीडियो जो है ये एक बहुत से लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे तमाम लोग जो एक तो बाहरी कंट्री से होते हैं मोस्टली तौर पर, जो सऊदी अरब और दुबई वगैरह में जो लोग रहते हैं, और वो जो पाकिस्तान में आके जो है गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उनके मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉल्स आती हैं कि आप हमें बताएं अगर हम गाड़ी लोन के ऊपर लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होता है। सो आज की वीडियो स्पेसिफिक होगी और इसमें आपको मैं कैलकुलेटर बताऊँगा जो आपकी सारी परेशानी जो है वो ख़त्म कर देगा, और आप बहुत इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे कि अगर आपको कितने टेन्योर की जो है वो इंस्टॉलमेंट चाहिए, कितने आप पैसे देते हैं तो आपके जो मैक्सिमम जो है वो अमाउंट वो कितनी बनेगी। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें वो बताता चलूँ ताकि आपके माइंड में हो। ये जो वीडियो है ख़ास तौर पर ये तमाम लोगों के लिए, बाइक्स के लिए भी है, कार्स के लिए भी है, लेकिन उनसे ज़्यादा ये जो वीडियो इंपॉर्टेंट है वो उन लोगों के लिए जो बड़ी गाड़ियाँ या ट्रक वगैरह खरीदना चाहते हैं उन लोगों के लिए। बैंक आपको जो है वो अगर लोन देता तो उसके पीछे तीन कंडीशन होती हैं। फर्स्ट ये चीज़ होती है कि आप जॉब करते हैं और आपकी जो सैलरी है मंथली वो जो है 30,000 से ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपका कोई बिजनेस है और आपकी इनकम जो है 50,000 से ज़्यादा है उसके ऊपर आपको लोन मिल सकता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप कोई लैंडलॉर्ड हैं यानी कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है तो आप उसके पेपर सबमिट करा के जो बैंक से वो लोन ले सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं, ये होंगे तो आपको लोन किसी भी बैंक में मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ होती है कि लोन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है फिक्स्ड लोन होता है और एक होता है वेरिएबल लोन। फिक्स्ड और वेरिएबल लोन का ये फ़र्क होता है कि फिक्स्ड लोन होता है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल या 3 साल के लिए आपने लोन लिया है और आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है हर साल का या हर मंथ का जो है वो 18% या 17%, तो वो 3 साल में सेम रहेगा। बैंक को लॉस हो जाए, बैंक को प्रॉफिट हो जाए, उससे आपको आपके जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा होता है वेरिएबल, और वेरिएबल का ये सीन होता है कि उसमें जो है अगर बैंक जो लॉस में जा रहा है तो आपका इंटरेस्ट वो बढ़ा भी सकता है और कम, बहुत ही कम कंडीशन में होता है। तो इसलिए लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि फिक्स्ड लोन जो है हम वो ले लें। बैंक जो है डिफरेंट उनकी क्राइटेरिया होते हैं, कुछ बैंक जो है वो 3 साल का, 5 साल का, और कुछ इवन जो है वो 7 साल का टेन्योर रहते हैं यानी कि 7 साल तक आप जो है वो पैसे जो है वो वापस कर सकते हैं इतनी इंस्टॉलमेंट के अंदर। और मोस्टली जो बैंक हैं 5 साल, तो वो पाकिस्तान के अंदर तमाम बैंक जो है वो ऑफर कर रहे हैं कि आप 5 साल का जो टाइम ड्यूरेशन उसके अंदर जो है तमाम पैसे जो है वो रिटर्न करेंगे। इसके अलावा आप ये चीज़ भी अपने माइंड में रख लें कि आप जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ी लेंगे उसके अंदर सिर्फ गाड़ी की प्राइस वगैरह इन्वॉल्व शामिल नहीं होगी, इसके अलावा काफ़ी और चीज़ें भी उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि बैंक के अपने चार्जेस होते हैं उस पूरे प्रोसेस के, आपको वो पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा बैंक उसकी इंश्योरेंस कराता है, आपको वो भी देनी पड़ती है, और इसके अलावा उसके अंदर सिक्योरिटी जो है लगाई जाती हैं चीज़ें, ट्रैकर वगैरह जो है वो तमाम पैसे भी आपने उसके अंदर देने होते हैं और वो तमाम पैसे भी इंक्लूडेड होते हैं। सो तकरीबन 1-1.25 लाख रुपए तो तमाम जी बन जाते हैं इन चीज़ों के। अगर आप गाड़ी लेते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा चार्जेस होते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह से होता है कि कुछ जो गाड़ियां हैं उनका डायरेक्ट लिंक है बैंक के साथ, तो उनके जो बैंक है उनके ऊपर आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी अगर आप गाड़ी बाय करना चाहते हैं, उसके तमाम जो है एक्चुअल प्राइस, और इसके अलावा उसका सारा जो उसके ऊपर जो है कितना परसेंटेज लगेगी, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। मैं आपको कुछ वेबसाइट जो है वो भी विजिट करूँगा कुछ बैंक्स की, और लेकिन कुछ जो बड़ी गाड़ियां हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि ट्रक या मिनी ट्रक हो गए या हैवी ट्रक, ड्यूटी ट्रक वगैरह होते हैं, उनके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक जो है वो बैंक जो है वो लोन नहीं देता। उसके लिए आपको खुद बैंक के पास जाना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि मैंने ये ट्रक लेना है और ये मुझे इतने इंस्टॉलमेंट पे चाहिए, तो वो बैंक फिर आपसे डिटेल में बात करता है कि वो कितने टेन्योर तक आपको जो है वो उसका लोन देंगे और आपको कितने परसेंट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वो पे करना पड़ेगा। अब मैं लैपटॉप के ऊपर जाऊंगा और आपको मैं जो है वो कुछ सैंपल दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये तरीका कार है जिसके थ्रू जो है आप इजीली जो है अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं कि आप अगर कोई गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं। तो ये मेरी वेबसाइट है, बहुत से लोग जानते भी हैं AutoWheels.pk जो है उसके ऊपर, तो वहाँ पे मैं चलता हूँ और आपको मैं कैलकुलेटर दिखाता हूँ कि एक्चुअली वो किस तरह से वर्क करता है। फाइनली मैं अपने लैपटॉप के ऊपर आ गया हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने एक लिंक ओपन किया हुआ है जो अलफला बैंक का है, लोन का एक कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये किस तरह से वर्क करता है, और आफ्टर दैट मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको लेकर जाऊँगा कि आप कितनी ईजिली जो है वहाँ पर इस चीज़ को आसानी के साथ कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है कि आप प्रोडक्ट कौन सी होगी। तो नॉर्मल एक प्रोडक्ट है, हम सबसे पहले उसको ले लेते हैं, और उस कह रहा है कि आप आगे बताएं कि मार्कअप टाइप जो है आपका वो कौन सा होगा, फिक्स्ड होगा वेरिएबल, जिसकी आप मैं बयान आपको पहले बात किया कर ली है, तो हम यहाँ पे फिक्स्ड कर लेते हैं। वेरिएबल थोड़ा सा जो है वो आसान होता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो आपको बाद में चार्जेस ज़्यादा भी पे करने पड़ सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपको जो फिजिबल लगता है वो कर लें।
और उसके बाद वो कहते हैं कि जी गाड़ी कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी कमर्शियल व्हीकल भी यहाँ पे हैं, न्यू में हैं, यूज्ड आपको नहीं बाय कर सकते। तो हम इनमें से कोई सेमी जो है गाड़ी वो बाय कर लेते हैं जो कि कमर्शियल व्हीकल हो सकती है। और व्हीकल की जो प्राइस है, और ये देखें अटिन्योर जो है ये इस तरह से आ रहा है क्योंकि इनके पास जो है इनका कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी के साथ, कंपनी के साथ, इसलिए ये बता रहे हैं कि अगर आप हमें गाड़ी की प्राइस बताएं, टिन्योर बताएं, इक्विटीज़ बताएं, तो हम आपको कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो हम गाड़ी की प्राइस फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 20 लाख। तो 20 लाख प्राइस, और टिन्योर जो हम लेना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल 5 साल का, देखें यहाँ पे आपको बड़ी गाड़ी के लिए 7 साल का भी टिन्योर नहीं है, 5 साल का है। इक्विटीज़ मतलब आप कितने पैसे जो है वो स्टार्ट में देंगे, तो स्टार्ट में हम फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं 35। तो ये हमने इसकी डिटेल सारी जो है वो कर दी, यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ सारी आ गई। इनका कहना है कि डाउन पेमेंट आप करेंगे 7 लाख की, 20 लाख में से 7 लाख की आप जो है डाउन पेमेंट करेंगे। अफला जो है वो 13 लाख की पार्टनरशिप करेगा, और आपको जो मंथली जो है वो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी वो 32,308 रुपीज़ हैं। तो ये बैंक का जो है वो एक तरीकाकार है और बैंक आपको बता रहा है। इसके अलावा अगर आप नीचे क्लिक करेंगे तो आपको ये भी बता रहा है कि आपको जो है वो आप कब कब पैसे देने पड़ेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे वो भी दी गई है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें 32,308 जैसे है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है इंटरेस्ट आपको 18,417 आपको पड़ेगा, ये तमाम इंटरेस्ट भी साथ में दिए गए हैं। तो ये टोटल कैलकुलेट वैल्यू जो है आपको दी गई है कि आपने 60 मंथ के अंदर जो है ये कितना इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। एक और चीज़ भी आप देखते रहेंगे, साथ में नोट करते रहें, जैसे जैसे आप नीचे चलते रहते हैं आपका इंटरेस्ट जो वैल्यू है वो कम होती रहती है, 12,000, 10,000, लेकिन आप पैसे देखें 32,000 ही आप दे रहे हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है ये कम हो रहा है। इसकी वजह ये है कि आपने जो इंटरेस्ट यहाँ पे डाला था वो फिक्स था, जिसकी वजह से इसकी वैल्यूज जो हैं वो कम हो रही हैं। शुरू में आप बैंक जो है आपसे ज़्यादा पैसे लेता है ताकि वो अपने अपने आप को सेफ और सिक्योर करे, इसकी वजह से उसके जो है वो पैसे जो है वो ज़्यादा बनते हैं। लेकिन विद द टाइम जब उसे पता चल जाता है कि आप पैसे पे कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट लेवल भी कम होता जाता है। सो ये एक बैंक की एग्जाम्पल थी। अब एक नॉर्मल बात कर लेते हैं, जो मेरी आप वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली वो कौन सा तरीकाकार है जिसके थ्रू आप आसानी के साथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो है अपना इंटरेस्ट आपका कितना बनता है और आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। ये मेरी वेबसाइट है AutoWheels.pk की, आप देख सकते हैं, इसे ज़रूर विजिट करें, नीचे लिंक भी दिया गया है। तो फाइनली हम कर लेते हैं जनाब, ये गाड़ी है होंडा CT 1.3 मॉडल 2017। जब आप इसको लिंक करेंगे और इसको आप ओपन करेंगे तो तभी आपके पास पॉसिबल हो सकेगा कि आप उस कैलकुलेटर तक पहुंचे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की प्राइस 15,80,000 है। तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंस कैलकुलेटर लिखा हुआ है, गाड़ी की प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। तो हम इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जाम्पल लगाते हैं कि बैंक का आजकल इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12%, और पीरियड मंथ जो है वो आप कितने से कह सकते हैं कि हम अगर 5 का लगाएं तो 60 मंथ बनते हैं, तो वो यहाँ पे आ गई। और डाउन पेमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनाब 6 लाख की, 6 लाख होगी। और यहाँ पे आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, जब कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखें कि वो कह रहा है कि मंथली इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ेगी 21,799, टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू जो बनेगी वो 27,973 बनेगी, और टोटल अमाउंट आपको इतनी पे करनी पड़ेगी। ये चीज़ जो है बेसिकली इस कैलकुलेटर का जो मेन फायदा मैं समझता हूँ वो आप लोगों के लिए है, कि आप लोगों को एक तो ये पता चल जाएगा कि आपको इंटरेस्ट में कितनी वैल्यूज आपकी जाएगी, कितनी आपकी पैसे इंटरेस्ट में जाएंगे, और उसी टाइम आपको ये भी पता चल जाएगा कि टोटल वैल्यू जो है आपको टोटल जो है वो अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी इस गाड़ी के लिए। तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को लाइक कंपेयर करना कि हमको ये गाड़ी जो है वो ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट इतना ज़्यादा पे करना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। और मेरी पर्सनल राय है आप इसे अवॉइड किया करें, जितना भी इंटरेस्ट जो है आप इंटरेस्ट पे चीज़ खरीदते हैं अवॉइड करें, ये एक बहुत बड़ी जलालत एक तरह की होती है। एनी हाउ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आपका इस यहाँ पे कोई गाड़ी लगाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे जाएं, पोस्ट फ्री एड, और यहाँ पे आप अपनी जो गाड़ियों की एड वगैरह वो हैं वो लगा सकते हैं। इसके ऊपर मेरे चैनल के ऊपर वीडियो भी बनी हुई है, और मज़ीद में वीडियो बना रहा हूँ कि आप इसके ऊपर पोस्ट वगैरह जो है वो कैसे कर सकते हैं, तो ज़रूर इसको चेक कीजिएगा। आई होप सो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट
ये वेबसाइट जो है वो होगी, और इसकी बहुत जल्द एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च होने वाली है, से कमिंग सून में आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट में इसकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी, तो आप उसको मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली गाइस, ये एक मेथड था जिसके थ्रू आप जो है आसानी के साथ अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी बाय करना चाहते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा। बैंक मोस्टली तौर पे जो इंटरेस्ट है आजकल वो थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। इट्स बेटर कि आप बैंक एक दफ़ा विजिट कर लें या किसी से इंटरेस्ट पूछ लें। 17% आई थिंक इंटरेस्ट चल रहा है, ये 18% चल रहा है। तो आपके लिए एक आसान है ये कैलकुलेटर जो है, जो आपको सारी वैल्यूज बता देगा। तो आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं अगर आप गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कितने टेन्योर के अंदर वो आप पे कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी जो वेबसाइट है उसको ज़रूर विजिट करें और उसके ऊपर आप ऐड लगाएं, लोगों के साथ उसको शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक्चुअली ये वीडियो मैं इस्लामाबाद जाके बनाना चाहता था, मेरे पास इक्विपमेंट वहाँ पर सारा पड़ा हुआ था, बट बहुत से लोगों के मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि आप यार वीडियो ये बनाए के इंटरेस्ट जो एक्चुअली है अगर वो कितना पे करना पड़ता है और हम जो अगर गाड़ी बाय करना चाहते हैं उसका तरीका कार क्या होता है। सो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, एक आप शोरूम से पूछ सकते हैं, अगर वो आपको कहते हैं कि हमारा लिंक है दैट्स ओके, लेकिन उसके बाद जो है आप जो बैंक है आपको उसके पास भी जाना पड़ता है, वहाँ उससे भी पूछ सकते हैं। तो वो बैंक के साथ आपका सारा कमिटमेंट होती है और आफ्टर दैट वो आपको गाड़ी जो है वो लेकर देते हैं। सो इट्स अप टू यू, दोनों में से आप कौन सा मेथड जो है वो प्रेफर करते हैं। सो आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जरूर जो है आंसर देने की कोशिश करूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। Thank you.